नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। नाजरीन, हम हमारे साथ आज मेहमान हैं आमिर वसीम, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 5-6 माह बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो कोरोना से लेके फेडरल बजट हो, बीएनपी हुकूमत इत्तेहादी, बीएनपी की हुकूमत से इत्तेहाद से अलहदगी हो, और वजीर अजम का सिंध का दौरा हो, और उसके साथ साथ ये जस्टिस फायज ईसा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब इसके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। कोरोना की वबा की सूरत हाल अभी तो पीक पे है, और बेहतरी की उम्मीद है कि अगले 1-2 माह में बेहतरी आए और जिंदगी नॉर्मल रूटीन की तरफ जब आएगी तो यकीनी तौर पे इस्लामाबाद में एक सियासी सरगर्मी भी शुरू हो जाएगी। तो हम आज इस जो भी आने वाला वक्त है, फ्यूचर है हुकूमत का, मुल्क का, इसके हवाले से अपनी जो भी हमारी औकात है इस के तनाजुर में हम डिस्कस करेंगे। आमिर वसीम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डान के पॉलिटिकल एरिया को कवर करते हैं, हमारे साथ उसकी मेहरबानी है कि वो हमें टाइम देते हैं और अपने ख्याल का इजहार करते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब भी करें और वॉच भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ अपनी राय से हमें आरा से भी आगाह करें। वसीम साहब, वेलकम प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। वसीम साहब, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस भी करते आए हैं, और मैंने भी उसका जिक्र भी किया है कि बहुत सारी हुकूमती फेल्यूअर नजर आ रहे हैं। कोरोना को देखिए, ऑलमोस्ट फेल्यूअर है। अब बजट लोगों को कुछ नहीं मिला, सरकारी मुलाजिमों को कुछ नहीं मिला, कोई मेरे ख्याल में जैसे बजट बस एक मखसूस तबके के लिए आया और वहीं बात खत्म हो गई है और कोई जिक्र नहीं है। और उसके साथ बीएनपी हुकूमत इत्तेहादी बीएनपी के सरबरा अख्तर मेंगल साहब ने अलहदगी का ऐलान किया है, और उसके साथ साथ अब ये इसके जाहिर है फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ने हैं। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि क्या बनने जा रहा है? देखिए बलोच साहब, बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अगर हम हुकूमत की पॉलिसीज की बात करें पिछले 2 सालों में, कोरोना तो अभी आया है मार्च में, तो मार्च से पहले भी जो हमारी मईशत की हालत थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और बजट के दौरान जो डिबेट्स में अपोजिशन ने जो पॉइंट रेज किया उन्होंने भी बड़ा इंटेलिजेंटली, उन्होंने जो फिगर्स पेश की, कंपैरिजन पेश किया, तो वो मार्च तक की ही फिगर्स को पेश करते रहे ताकि गवर्नमेंट के पास एक बहाना ना रहे कि जी कोरोना आने की वजह से हमारी मईशत को ये नुकसान पहुंचा। तो कोरोना के पीछे जो हुकूमत एक कवर लेने की कोशिश कर रही है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने बड़ा इंटेलिजेंटली उसको एक्सपोज किया है और सबके सामने है। बजट में ऑब्वियसली जो तवक्कुआत थी कि एक क्राइसिस के दौरान एक बजट आ रहा है, और हुकूमत ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि लोगों के, हमारे पिछले दिनों लॉकडाउन भी रहा और जो हमारे माशी हालात हैं तो वो कितने अच्छे नहीं हैं, तो वो तवक्कुआत भी इसमें पूरी नहीं हुई। और इस जब भी बजट आता है, आपको मालूम है हर साल, तो जब भी बजट आता है तो जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं, अलायज होते हैं, वो हमेशा इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अपने मुतालबात लेके आते हैं, और चाहे वो MQM हो, चाहे वो BNP मेंगल हो, चाहे कोई भी छोटे ग्रुप्स होते हैं, वो यही करते हैं। तो इस दफा BNP मेंगल ने ना सिर्फ तहफ़ुज़ात का इज़हार किया बल्कि एक फैसला भी कर लिया और वो हुकूमत से बाहर आ गए। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, गो के उसको इमीडिएटली इसका भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि 4 सीटें थी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की असम्बली के अंदर, तो उनकी जो अक्सरियत थी वो कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी उनके पास 180 के करीब सीटें हैं, तो वो उनको इमीडिएट खतरा तो नहीं है। लेकिन जो आगे हालात हम देख रहे हैं, जिस किस्म का कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, इकोनॉमी की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है, और अब तो लॉ एंड ऑर्डर भी आप देखें दोबारा से एक दफा इस किस्म के वाकयात शुरू हो गए हैं, कराची में रेंजर्स पर हमले हुए हैं, बलोचिस्तान में वाकयात हुए हैं, ट्राइबल एरियाज में शुरू हो गए, तो ये सारी चीजें जो मिल रही हैं वक्त के साथ साथ, तो जरूरत मुझे नजर यही आ रहा है कि इस कोरोना का जो पीक टाइम है या जो भी है वक्त जब गुजरेगा, तो उसके बाद हम बहुत ज्यादा सियासी हलचल देखेंगे और बहुत ज्यादा हमें कुछ हो सकता है तब्दीलियां भी नजर आएं। आमिर, इसी कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज ईसा के हवाले से उसकी जो दरखास्त थी,
इस पे फैसला आया है, फुल कोर्ट ने फैसला दे दिया है जिसमें सदारती रेफरेंस को गलत दम करार दे दिया गया है। तो ये भी तो बड़ी सेटबैक है। और आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने इमरान खान पे बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, क्योंकि इसी हफ्ते वजीर आजम सिंध भी गए थे और उन्होंने अपने दादियों से वही मुलाकातें की। उन्होंने लाड़का नामी एक कहते हैं कि एक पेटी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी दावत में भी शिरकत की, और लेकिन वो सीएम सिंध से नहीं मिले, सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव से नहीं मिले। वहां सियासी जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं या दीगर जमातें हैं अपने इत्तेहादी या पार्टी के सभा बाकी किसी से नहीं मिले। तो ये भी तो हुकूमती वजीर अजम की फेल्यूर नहीं है, क्योंकि अब तो हुकूमत वजीर अजम को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं इकदार। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं फेलियर का लफ्ज तो मुझे नहीं मालूम कि इसके लिए मुनासिब है कि नहीं, लेकिन वजीर आजम पूरे मुल्क का वजीर आजम जब होता है, और खास तौर पे इस वक्त जो एक पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, लोकस्ट का हमला चल रहा है और सूबे मुसलसल शोर मचा रहे हैं, सूबों के एनएफसी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, इस मौके पर आप एक सूबे का दौरा करें और फिर वहां के वजीर आला से मुलाकात ना करें, तो ये कोई अच्छा मैसेज आपने नहीं भेजा सूबों के लिए। और 18वीं तरमीम के हवाले से जो एक डिबेट मुल्क के अंदर चल रही है उसको भी आपने वहां जाके बात की, तो इसका मकसद बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि हुकूमत क्योंकि अपनी जो नाकामियां हैं या अपनी जो कुछ कर नहीं सक रही, करना चाह रहे हैं, तो उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये सारे मामलात छेड़े जाते हैं 18वीं तरमीम के, क्योंकि इनके पास ताकत तो है नहीं। 18वीं तरमीम मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसे उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं आईन के अंदर। मैं जो समझता हूँ, जो मेरी एक सोच है, मैं समझता हूँ कि 18 तरमीम से ज्यादा ये इंटरेस्टेड है एनएफसी में कट लगाने, क्योंकि सूबों से कुछ वापस ले लिया जाए, वफाक की जो शेयर है उसको बढ़ाया जाए, वो एजेके के डेवलपमेंट के हवाले से हो, वो गिलगित के नाम पे हो, वो सिक्योरिटी के नाम पे हो, वो कर्जों की वापसी पे हो, वो इदारों की जो जो खसारे हैं उनके नाम पे हो। तो मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम को वो बहाना बना के असल उनका टारगेट एनएफसी है, मुझे मुझे लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता? देखें एनएफसी का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अब तक तो अब बजट तो पेश हो गया है, अब अगर ये कट लगा रहे हैं है ये बहुत खतरनाक खेल, ये बहुत ही एक खतरनाक खेल है जो वफाक इस वक्त खेल रहा है, क्योंकि जो सूबे हैं ठीक है कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, तो शायद वो उस तरह से रिएक्ट ना करें, लेकिन जो सिंध और बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान की तो एक अपनी हिस्ट्री है और उसी का बैकग्राउंड आप देखें, अख्तर मेंगल ने जो हुकूमत से अलहदगी का इजहार किया है, उन्होंने अपनी तकरीर में भी एनएफसी का जिक्र किया है, 18वीं तरमीम का जिक्र किया है, तो इस मौके पर इतने नाजुक इस एनएफसी को छेड़ना जो है, मैं समझता हूँ खतरनाक खेल होगा। लेकिन जो इस वक्त एक वबाई सूरत चल रही है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त अपोजिशन जमातें भी इस पोजिशन में है कि वो कोई इसके हवाले से कोई बाकायदा प्रैक्टिकली कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में हो, तो हुकूमत इससे फायदा उठा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उठा नहीं सकेंगे, मुश्किल होगा, और बलूचिस्तान में इससे बहुत ज्यादा एलियनेशन फैलेगी, बलूचिस्तान के लोगों में ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा तहफात हैं उनके इस हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सिंध को पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन बलूचिस्तान को इससे काफी नुकसान पहुंचेगा, और खुद खैबर पख्तूनख्वा जहाँ इनकी हुकूमत है उनको नुकसान पहुंचेगा। वो आपको याद है खैबर पख्तूनख्वा खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है, उनकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो अगर वहां का वजीर आला या वहां के लोग हुकूमत नहीं भी बोलती तो भी वहां के लोगों का तो नुकसान होगा। आमिर, आज बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वजीर आजम के सिंध के दौरे की बात की, सीएम से मुलाकात न करने की बात की, 18वीं तरमीम की बात की और एनएफसी के हवाले से बात की, और ये भी कहा कि वजीर आजम कराची आए लेकिन वो जो जहाँ तैयारा जो क्रैश के जो विक्टिम हैं उनके पास भी नहीं गए और वो 1973 के आईन के खिलाफ है। तो ये बिलावल भुट्टो बहुत एग्रेसिव आजकल अब हो रहा है वजीर आजम के खिलाफ, तो ये तो बड़ा इल्जाम नहीं है वजीर आजम पे कि वजीर आजम एक वजीर आजम है और अपोजिशन का एक आम जमात का लीडर, ये इल्जाम लगाया उसको? देखें इमरान खान बेसिकली मैं समझता हूँ कि सियासतदान है नहीं और वो सियासतदान बने भी नहीं। सियासत में आपको हमेशा जिसे कहते हैं कि जो है ना आपको हालात के मुताबिक फैसला करना होता है, आप जो हर वक्त एक जो आपकी ईगोइज्म है वो नहीं चलती सियासत के अंदर। तो
आपने देखा कोरोना के अंदर भी वजीर आजम साहब ने, पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं आए वो, एक दफा भी उन्होंने आके पार्लियामेंट में कोरोना के हवाले से बजट वाले दिन आए बस, वो उन्होंने ज्यारत करवाई है, मजबूरी थी उनकी, तो अब बजट जिस दिन पास होगा उस दिन भी असेंबली के अंदर आ जाएंगे वो। लेकिन जो होता है सियासत के अंदर, आपको सबको साथ लेके चलना होता है। इल्जाम अपनी जगह पर है, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अदालतों में केसेस हैं, वो चलते रहेंगे। लेकिन एक जो सियासतदान होता है, जो मुल्क का और खासतौर पर वजीर आजम होता है, वो सबका वजीर आजम होता है। अब शहबाज शरीफ को अगर कोरोना हुआ, अगर इमरान खान साहब एक कॉल करके उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लेते तो उसमें कोई उनकी इज्जत या शान नहीं घट जानी थी। आप देखें, आर्मी चीफ ने कॉल कर ली शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ ने कॉल कर ली, राहिल शरीफ ने, फॉर्मर आर्मी चीफ ने कॉल कर ली, और आपके वजीर आजम साहब में इतनी जरूरत नहीं हुई, इतनी इखलाकी उनके अंदर नहीं वो पैदा हुआ, एहसास पैदा हुआ कि मैं किसी की तबीयत पूछ लूं। तो किसी की अगर आप दुश्मन की भी तबीयत पूछ लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि उनके नजदीक सियासत जो है, मुफाहमत जो है, वो उसको इतनी अहमियत नहीं देते। वो अपनी पर्सनल जो उनकी जिद है, अना है, उसको वो हमेशा ऊपर रखते हैं। तो इस तरह सियासत होती नहीं है। और वो सिंध गए थे, उनको वजीर आला से बिल्कुल मिलना चाहिए था, बेशक वो उनके लिए कुछ कर सकते या ना कर सकते, लेकिन एक मैसेज इसका जरूर जाता कि वफाक जो है वो सूबों के साथ है। अब तो आपने क्लियर मैसेज दे दिया है कि वफाक जो है वो आपके साथ नहीं है, आपने जो करना है करें, हम आपके साथ नहीं है। तो ये एक बहुत गलत मैसेज है। अमर, बस आखिरी सवाल, जस्टिस फैजी साहब के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला आ गया और सारे जो भी जमहूरियत पसंद लोग हैं, लिबरल लोग हैं और रोशन ख्याल लोग हैं, वो इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये फैसला भी पानामा के फैसले की तरह है, कोई आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। तो इस फैसले को की रोशनी में आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं? जी, ये जो कल फैसला आया है इसके हवाले से, जो इसको टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स हैं उस पर तो जाहिर है वकील बात भी कर रहे हैं, कानूनी माहिरीन बात भी कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसके सियासी जो असरात हैं या सियासी तौर पर किस तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि इस मुल्क में जब भी कोई फैसला आया है तो हर पार्टी ने और हर शख्स ने अपने पार्टी और अपने नजरिए के बायस होकर उस पर तबसरा किया है, न्यूट्रल होकर किसी ने तबसरा नहीं किया। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो इदारे का होता है, अदलिया का, अपने इज्जत का होता है। हमें अगर अदलिया की इज्जत करनी है तो हमें उसके हर फैसले को मानना होगा। अब हमने देखा कि जब इसी अदलिया ने नवाज शरीफ को निकाला, यूसुफ रजा गिलानी को निकाला, तो हमने देखा कि जी जो लोग इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और एक बाकायदा कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये उस वक्त उसको बड़ी वाह वाह कर रहे थे, आजाद अदलिया थी। और दूसरी जानब हम देख रहे थे कि जी वो कह रहे थे जी प्रेशर में आके फैसला किया है। अब जब ये फैसला आया है तो हम देख रहे हैं कि जो उस वक्त हेल कर रहे थे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिसाइज हो जाती है सारी की चीजें, अब देखें काजी फैज ईसा की प्रॉपर्टी के हवाले से ना मुझे पता है ना आपको पता है कि उसकी क्या डिटेल्स हैं, और वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, लीगल एस्पेक्ट है जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देख रही है। लेकिन इस पूरे केस को जो सियासी रंग दे दिया गया है और उस पे एक इसको जो एक जंग समझा जा रहा है, एक एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेस के दरमियान भी जंग को समझा जा रहा है, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जंग को समझा जा रहा है, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। और ये हमारे मुल्क में हर दौर में होता है, हर फैसले में होता है, और इसके रिपरकशंस क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम कि ये केस मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया है या ये वापस एफबीआर के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो ये सारा का सारा जो है आगे आइंदा एक दो महीने के अंदर ये सिचुएशन क्लियर होगी। अगर तो ये केस मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया है तो मैं समझता हूँ कि इस केस के बारे में आगे कोई बात नहीं होगी और दूसरे इश्यूज चलेंगे। लेकिन अगर ये केस दोबारा रीओपन होता है तो यकीनन इससे जो हमारे सियासी जो हमारा माहौल है उस पर बहुत असर पड़ेगा। अमर, बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल है। सदर आरिफ अलवी ने रेफरेंस भेजा, रेफरेंस का लतम हो गया, अब उसके इखलाकी जवाब क्या बना? देखें, सिर्फ रेफरेंस की बात नहीं है, उनका तो आपको याद होगा जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को उन्होंने अपॉइंट किया था वो भी अदालत ने नल एंड वॉइड और इलीगल करार दे दिए थे। उन्होंने जो एनएफसी का नोटिफिकेशन का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंट अलवी साहब की एक चीज नहीं है, लेकिन इस फैसले के अंदर जो एक अब जब डिटेल्ड डिसीजन आएगा तब समझ आएगा कि किस हद तक जो इसको जो कलदम करार दिया गया है उसकी रीजन जब वो बताएंगे और उसका अगर वो किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो डेफिनेटली सदर आरिफ अलवी के लिए जो है इखलाकी जवाब जो है वो नहीं रहेगा यहाँ पे कायम रहने का। तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी जवाब से जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दो मेंबर्स अपॉइंट किए थे और आपकी हाईकोर्ट ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया था तो वो तो उस वक्त ही जवाब वो खो बैठे थे। बहुत शुक्रिया अमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे थोड़े वक्त में बहुत सारी चीजों पे अपने
अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन ये थे आमिर वसीम साहब, सीनियर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो पॉलिटिकल फ्यूचर पॉलिटिकल एक सीनियर बन रहा है उस पर रोशनी डाली है। और आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा और इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।